स्वागत है फ्रेंड आप सभी का बायो के चैनल टेक्निकल सोलानिया पर। फ्रेंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई जो यूट्यूब चैनल है उसका कस्टम यूआरएल कैसे बनाए। तो फ्रेंड एक यूट्यूबर के लिए कस्टम यूआरएल बिल्कुल ज़रूरी है, तो भाई इस वीडियो को पूरा देख लेना, आप कस्टम यूआरएल बनाना जान जाओगे। और मैं आपको ये भी बताऊँगा भाई कस्टम यूआरएल होता क्या है और इसको क्यों बनाना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं क्या क्या करता हूँ, जो मेरा चैनल है उसको एक बार ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि भाई कस्टम यूआरएल क्यों ज़रूरी है और एक कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड सबसे पहले मैं जो मेरा चैनल है यूट्यूब का चैनल है इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको शेयर करके आपको बताऊँगा भाई कस्टम यूआरएल होता क्या है। तो फ्रेंड जैसे ही हम हमारे जो चैनल है यूट्यूब का चैनल उसको शेयर करते हैं तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक बार इसको शेयर कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा भाई कस्टम यूआरएल होता क्या और इसको क्यों बनाना बिल्कुल ज़रूरी है। तो मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ और जिसमें जो मेरा लिंक है इसको मैंने शेयर कर दिया मेरा यूट्यूब चैनल का, ठीक है। अब आप देख लीजिए भाई अभी हमने जो शेयर किया वो हमारा जो चैनल का लिंक है ना इस प्रकार है, ठीक है, मतलब कि अलग आ रहा है www.youtube.com है इस प्रकार। लेकिन फ्रेंड कस्टम यूआरएल आप बना लोगे तो उसके बाद आपका यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे आपका चैनल का नाम आने लग जाएगा भाई, जो भी चैनल है जैसे मेरा टेक्निकल सोलानिया है तो यहाँ पे डायरेक्टली टेक्निकल सोलानिया आ जाएगा। तो आप देख लीजिए बगल में इस प्रकार आपका चैनल आने लग जाएगा। फ्रेंड इस प्रकार हम चैनल को कैसे बनाए, कस्टम यूआरएल कैसे बनाए वो आप इस वीडियो में देख लीजिए, पूरा बताऊंगा भाई कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल समझ आ जाएगा भाई, मतलब कि नहीं समझने कोई मौका नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड हमको जो कस्टम यूआरएल बनाने के लिए क्रोम ऐप का हम यूज करेंगे। फ्रेंड कस्टम यूआरएल ओनली क्रोम ऐप पर बनती है, ठीक है, यानी ब्राउज़र पर बनाई जाती है, यूट्यूब पर नहीं बनाई जा सकती क्योंकि यूट्यूब पर हम डेस्कटॉप नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यूट्यूब है जिसको ओपन कर लेना है क्रोम के अंदर। तो मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ यूट्यूब को। फ्रेंड मैंने यूट्यूब को ओपन कर लिया, अब आप क्या करना है फ्रेंड यूट्यूब को ओपन करने के बाद आप देख लेना भाई कि वो डेस्कटॉप मोड पे है या नहीं। अगर डेस्कटॉप मोड पे नहीं है तो एक बार उसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेना, क्योंकि फ्रेंड जो भी काम होगा यूट्यूब का वो सब डेस्कटॉप पे ही होगा। तो मेरा डेस्कटॉप पे मतलब था लेकिन नहीं है, उसको मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। फ्रेंड डेस्कटॉप पे करोगे तो ये जो हमारा यूट्यूब है वो मतलब कि कंप्यूटर की तरह खुल जाएगा, कि जैसे कि भाई हमने कंप्यूटर में ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे करने के बाद क्या करना है, आपको जो ऊपर आपका चैनल का बैनर दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, अदरवाइज किसी पर क्लिक नहीं करना। फ्रेंड ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल आप कस्टम यूआरएल बना पाओगे जैसा कि मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे सेटिंग पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आपको जाना है एडवांस सेटिंग पे। देख लीजिए यहाँ पे एडवांस सेटिंग एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, अदरवाइज किसी पे क्लिक नहीं। फ्रेंड आप जैसे एडवांस सेटिंग पे क्लिक करते हो तो भाई आपके सामने आ जाएगा कस्टम यूआरएल का एक ऑप्शन दिखाई देने वाला है, और जिसमें लिख रहा है कि भाई आप एजेबल हो इसके कस्टम यूआरएल के लिए। तो भाई इसकी कंडीशन है वो मैं कंडीशन बता दूँ भाई, कस्टम यूआरएल आपका कब बनेगा। सबसे पहले तो आपके 100 सब्सक्राइबर होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, 100 सब्सक्राइबर होना चाहिए। उसके बाद आपके चैनल पे आपका चैनल का लोगो लगा होना चाहिए और बैकग्राउंड जो आर्ट होता है वो भी आपके चैनल पे लगा होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन है, और आपका जो चैनल है 1 महीना पुराना होना चाहिए। तो 3-4 कंडीशन को अगर आप फॉलो करते हो तो आप कस्टम यूआरएल बिल्कुल बना पाओगे। तो आप कंडीशन को फॉलो कर लेना, देखो 1 मंथ पुराना होना चाहिए और आपका चैनल पे लोगो लगा होना चाहिए, बैकग्राउंड लोगो भी लगा होना चाहिए और 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए, ये कंडीशन है इसकी। उसके बाद आप कस्टम यूआरएल बना पाओगे। फ्रेंड अब आपको क्या करना है, जो कस्टम यूआरएल का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे एयर आ रहा है ना क्लिक एयर, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, और जिसमें आपका कस्टम यूआरएल बता देगा कि ये आपका कस्टम यूआरएल है टेक्निकल सोलानिया, या आप नीचे वाले को बना सकते हो। उसके बाद यहाँ से टिक का निशान कर देना, उसके बाद यहाँ से कन्फर्म कर देना कस्टम यूआरएल को। जैसे कन्फर्म दोबारा ये पहुँचेगा, कन्फर्म कर देना, उसके बाद फ्रेंड आपका जो कस्टम यूआरएल बन गया, यानी कि अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई हमारा कस्टम यूआरएल यहाँ से बन चुका है, उसके बाद हम दोबारा से हमारे चैनल पर बैक आ जाएंगे, ठीक है, जैसे दोबारा आ गए बैक। अब फ्रेंड अब बता दूँ आपको, ठीक है, दोबारा से अब मैं आपको शेयर करके बताऊँगा कि भाई हमारा कस्टम यूआरएल बन चुका है। तो दोबारा से हम चल लेते हैं भाई अपने चैनल पे। तो हमने दोबारा हमारा चैनल ओपन कर लिया, अब हम दोबारा इसको यहाँ से शेयर कर लेते हैं।
और भाई शेयर भी हम उसी ग्रुप में करेंगे जिसमें हमने पहले किया था, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या डिफरेंट है दोनों में बिना कस्टम यूआरएल के, और कस्टम यूआरएल के बाद चैनल को का लिंक कैसे होता है वो आप देख लीजिए। भाई मैंने चैनल का लिंक उसी ग्रुप में शेयर कर दिया, अब आप दोनों में डिफरेंट देख लीजिए। ऊपर वाला देख ले लिंक कैसा लग रहा है, नीचे वाला देख कितना गजब का लग रहा है भाई, youtube.com/technicalsullania। अगर प्लान आप किसी को शेयर भी करोगे ना आपका चैनल का लिंक, तो वो भी देख के एक बार सोचेगा यार भाई रियल में यार चैनल ये इसका। तो फ्रेंड इस प्रकार आप भी कस्टम यूआरएल बना सकते हो इस वीडियो को देख के। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया कस्टम यूआरएल बनाना वो आप समझ में आ गए होगा। फिर भी कोई डाउट है तो भाई नीचे आपके भाई के नंबर है, कभी भी कॉल कर लेना किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो, हमेशा आपका भाई आपके साथ है। तो फ्रेंड आज की वीडियो बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और भाई के चैनल पे फर्स्ट बार आप आए हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कच्चे और मजेदार ओपर के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, राम राम।